हंसदेव अरण्य जंगल, उसमें कितना कोयला है, कितना कोयला है, कितने पेड़ हैं, कितनी घना जंगल है, इतनी तरह तरह की उसमें बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, इतनी जड़ी बूटियां हैं। उनको देख के दोनों पार्टियों की लार टपकती है। दोनों पार्टियां उस जंगल को लूटना चाहती हैं। वो जंगल किसका है, किसका है वो जंगल? छत्तीसगढ़ के लोगों का है कि नहीं है? क्या वो जंगल कांग्रेस का है? क्या वो जंगल बीजेपी का है? क्या वो जंगल अडानी का है? उन्होंने उठा के वो जंगल अडानी को दे दिया, उसका एक हिस्सा उठा के अडानी को बेच दिया, अडानी को दे दिया औने पौने भाव में कोयला निकालने के लिए। कहते हैं मोदी जी का परिवार नहीं है, लेकिन मोदी जी का एक मुंह बोला भाई है। कौन है? उनका एक मुंह बोला भाई है। आप अपने बेटे से उतना प्यार नहीं करते जितना मोदी जी अपने मुंह बोले भाई से करते हैं। और अगर मोदी जी तो बीजेपी के सबसे बड़े नेता हैं, मोदी जी का मुंह बोला भाई है तो बीजेपी का भी मुंह बोला भाई है, है कि नहीं है? जब यहां पे भाजपा का शासन था, भाजपा वालों ने कोयले की खदानें उठा के अडानी को दे दी। 2018 में जब चुनाव हुआ, भूपेश बघेल, टीएस सिंहदेव, राहुल गांधी तीनों आए थे यहां पे, जनता को यहां पे वचन देके गए थे, हमारी सरकार बनी हम अडानी से वापस लेंगे कोयले की खदानें। बोला था नहीं बोला था? तीनों ने कहा था हम अडानी को भगा के जाएंगे। बोला था कि नहीं बोला था? जैसे इनकी सरकार बनी कांग्रेस की, इन्होंने पहले अडानी के पास एक फेज था, इन्होंने दूसरा फेज भी अडानी को दे दिया। मैं भूपेश बघेल जी से जानना चाहता हूं, बघेल साहब हमें यह तो पता था कि अडानी मोदी जी का मुंह बोला भाई है, ये आपका कब से बन गया मुंह बोला भाई? आपकी इससे दोस्ती कब से, आपकी रिश्तेदारी कब से हो गई अडानी के साथ? मुख्यमंत्री बनने के पहले से ही दोस्ती थी कि बाद में दोस्ती हुई है? इन्होंने आने के बाद और ज्यादा कोयले की खदानें और ज्यादा जंगल इनको दे दिया। तो दोस्तों, अब अगर आपने इनको और मौका दिया तो आपका पूरा का पूरा वन उठा के सब कुछ ये अडानी के नाम बेच देंगे, दोनों पार्टियां आपकी बेच देंगी। हमारा अडानी से कोई रिश्ता नहीं है, मेरा अडानी से कोई रिश्ता नहीं है, भगवंत मान का अडानी से कोई रिश्ता नहीं है, हमारा इनसे कोई रिश्ता नहीं है। आम आदमी पार्टी को लाओगे, ईमानदार पार्टी है, हमारा रिश्ता है तो केवल जनता के साथ रिश्ता है। ये सारी खदाने, ये सारे जंगल आपके नाम होंगे, जनता को इसका फायदा मिलेगा दोस्तों।